नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस में आपके साथ नेहा वर्मा। कुलदीप बिश्नोई के आवास पर इनकम टैक्स रेट के विरोध में आज कांग्रेस के दिग्गज नेता हिसार में जुट रहे हैं। वहीं कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व विधायक सावित्री जिंदल के कार्यकर्ता एकत्रित हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने आज हिसार में विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्र हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके कार्यवाही करती रही है। अशोक तंवर ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां जिनमें CBI, ED और इनकम टैक्स है, इनका पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग करती आ रही है और विरोध की भावना से कार्रवाई करवा रही है। नजदीक आ रहे विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए अशोक तंवर ने कहा कि अब जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भाजपा इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। साथ ही अशोक तंवर ने कहा कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल है, एकजुट होकर वर्तमान सरकार का मुकाबला करेंगे। अशोक तंवर ने कहा कि आज भी उनके सर्वोपरि नेता राहुल गांधी हैं और CWC ने उनके इस्तीफे पर किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया है और वह भी उन्हें नेता ही मानकर चल रहे हैं। साथ ही अशोक तंवर ने दोहराया कि कांग्रेस एकजुट है और एक साथ मिलकर हिसार की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर भजनलाल परिवार के ऊपर एक तरफा बदले की भावना से की जा रही कार्यवाही के विरोध में यहाँ एकत्र हुए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वेष की भावना से काम कर रही है और इसी के विरोध में हम आज उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने कांग्रेस के नेताओं को कुचलने के लिए हर संभव प्रयास किए थे, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा को काले अंग्रेजों की संज्ञा देते हुए कहा कि यह लोग भी आज कांग्रेस के नेताओं पर दमनकारी नीति अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लगातार पूछताछ का मामला हो या देश और प्रदेश में कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के आवासों पर अवैध रूप से की जा रही इनकम टैक्स का मामला हो, जिससे यह प्रताड़ित करने का मामला कर रहे हैं। रणदीप सिंह ने अपने वक्तव्य में कुलदीप बिश्नोई की माता जसमा देवी का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल की धर्मपत्नी जसमा देवी को 82 वर्ष की उम्र है और पूर्व विधायक भी रही हैं। उन्हें भी लगातार 70 घंटे तक अवैध रूप में रोक कर प्रताड़ित करने का काम किया, जिससे उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारते हुए कहा कि उन्हें यह पता होना चाहिए कि कुलदीप बिश्नोई लगातार पिछले 15 साल से सत्ता में ही नहीं है और ना ही वह किसी मंत्रिमंडल का हिस्सा है, तो उनके खिलाफ इस तरह की कार्यवाही क्यों की जा रही है, उन्हें यह बताना चाहिए। रणदीप सिंह ने कहा कि आज कांग्रेस एकजुट होकर कुलदीप बिश्नोई परिवार के साथ खड़ी है, आगामी रणनीति क्या होगी, यह पूछे जाने पर रणदीप सिंह ने सुरजेवाला ने कहा कि हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में भी जाएंगे। रणदीप सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी हार को देखते हुए बौखला कर इस तरह की कार्यवाही कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी कोई आज पहली बार नहीं है, पिछले 5 साल में और उससे पहले जब जब भी मौका मिला है ये संवैधानिक संस्थाओं को भी खत्म कर दी है और जो ऐसी संस्थाएं हैं जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनका भी दुरुपयोग किया है, चाहे वो CBI हो, चाहे वो ED हो, चाहे इनकम टैक्स हो। और 5 साल में इन जो वर्तमान सरकारी थी कुछ इनसे निकला नहीं, फिर दोबारा जब हरियाणा में चुनाव आए हैं फिर इसी तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश है, बदले की भावना से की हुई कार्रवाई है जिसकी पूरी निंदा भी करते हैं। और माइक बंद कर दो, माइक बंद करवाना, दूसरे प्रदेशों में हम पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को जारी रखेगी, सड़कों के ऊपर भी लड़ेगी और संसद और विधानसभाओं के अंदर। राहुल गांधी तो खुद नेतृत्व तो उन्हीं का है। CWC ने कोई एक्सेप्ट नहीं किया और नेतृत्व उनका ही रहेगा आगे भी, तो इसलिए ये पद और कद की बात मत करिए। राहुल जी इन सबसे बहुत ऊपर हैं और इसलिए मैं समझता हूँ कि आज जो मामला है वो पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस एकजुट होकर के यहाँ पर हिसार की सड़कों के ऊपर है, तमाम लोग जो पीड़ित हैं प्रताड़ित हैं उनके साथ खड़े। आपको क्या लगता है कि भाजपा सरकार सबसे ज्यादा सवाल है, सारी कांग्रेस एक साथ पहले 3 दिन कोई कांग्रेस की नहीं बना, इसके ऊपर नहीं सब बोल रहे हैं, कौन नहीं बोला आज आप आए ना, हम तो पहले भी बोले, आप छापते नहीं हो, मैं तो कल भी बोला, परसों भी बोला। लेट मी से वेरी ब्रीफली फिर अपन आगे चलते हैं। साथियों, जैसा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक तंवर जी ने कहा, कुलदीप बिश्नोई जी
और भजनलाल परिवार पर की गई एक तरफा इनकम टैक्स की छापेमारी प्रतिशोध की भावना से प्रेरित है, बदले की भावना से प्रेरित है। कांग्रेस के नेताओं कुलदीप बिश्नोई और चौधरी भजनलाल परिवार से मोदी जी और खट्टर साहब की सरकारें बदला लेने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं और इसके खिलाफ आज हम सब साथी इकट्ठे होकर एक मत से राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देने और इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए। अंग्रेज ने भी इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी का दमन करने के कर आवाज दबाने की कोशिश की थी, वो कभी कामयाब नहीं हो पाया। आजादी के बाद आज काले अंग्रेजों का शासन है भाजपा की शक्ल में और वो कांग्रेस के नेताओं की आवाज दबा रहे हैं। चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जबरन 20-22-25 घंटे तक ईडी में तहकीकात के लिए बुलाने की साजिश हो और चार चार दिन तक भाई कुलदीप बिश्नोई और उनके आवासों पर पूरे देश और प्रदेश के अंदर वहां रेड किए झूठी और नकली और बदले की साजिश हो। सबसे ज्यादा निंदनीय ये है कि कुलदीप जी की 82 वर्षीय माता जी जस्मा देवी जी, जो खुद पूर्व विधायक हैं, चौधरी भजन लाल जी की धर्मपत्नी हैं, चार दिन तक उनको कमरे में नज़रबंद करना और फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना, इससे ज़्यादा अमानवीय कुकृत्य कोई हो ही नहीं सकता। इसकी जितनी भी शब्द निंदा किए जाए वो कम है। क्या खट्टर साहब, आपका और मोदी जी का अहंकार अब इतना सर चढ़कर बोल रहा है कि आप अपने विरोधी पक्ष के नेताओं की माता को चार चार दिन तक नज़रबंद करेंगे पुलिस की निगरानी के अंदर और उनकी सेहत जब तक पूरी खराब ना हो जाए तब तक उन्हें अस्पताल जाने की इजाज़त नहीं देंगे? हमें विश्वास है पूरी कांग्रेस पार्टी भाई कुलदीप बिश्नोई के साथ है और इस प्रकार के झूठे कार्यक्रमों से कुछ होने वाला नहीं। एक बात और जान लें खट्टर साहब और मोदी जी, कुलदीप बिश्नोई तो पिछले 15 साल से सत्ता में ही नहीं, तो उनके खिलाफ किस बात की रेड? वो तो किसी पद पर रहे ही नहीं जहां वो ताकत का इस्तेमाल कर सके। अगर वो किसी पद पर रहे ही नहीं, केंद्रीय मंत्री नहीं रहे, प्रांतीय मंत्री नहीं रहे, तो किस बात की रेड आप उन पर कर रहे हैं? ये दर्शाता है कि भाजपा आने वाले चुनाव में अपनी हार को देखकर घबरा रही है और इसलिए वो कांग्रेस के नेताओं पर उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है। आगामी रणनीति बड़ी साफ है, हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और जनता के बीच जाकर जमीन की लड़ाई भी लड़ेंगे। हिसार की जनता एक माकूल जवाब, एक ठोस जवाब इस दमन चक्र की कार्रवाई के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।